झारखंड में बड़ा हादसा, पुल से नदी में गिरी बस, जानिए क्या था कारण। झारखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी। ये हादसा होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दुखद हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जन भर यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 30 से 35 यात्री सवार थे। ये बस गिरडी डुमरी मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब सुनिए इस मामले में क्या कहना है गिरडी के डीसी नमन प्रियेश का। जीवन में 8 बता रहे हैं, हालांकि कोई 6 भी बता रहे हैं, और 11 तो सदर अस्पताल में और 3 सदर अस्पताल में ही, मतलब 14 बता रहे हैं, और 1 केस है गोवर्धन में। सर गोवर्धन में घायल क्या, कैजुअल्टी 3। ठीक है, हम लोग वही सदर में जा रहे हैं। इस हादसे की वजह बताएं तो बस काफी अनियंत्रित थी। सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए लगभग 30 फीट नीचे बस नदी में जा गिरी। ये घटना होते ही चीख पुकार मचने लगी। घटना स्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को बस से निकालकर अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद कई नेता और मंत्री भी वहां पहुंचे। एक बार फिर देखिए हादसे का वीडियो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।